जी भैया नमस्कार, प्रणाम। मैं अलवेला जी और आप देख रहे हैं अलवेला रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जो कि मिक्सिंग सिखाया जाता है। आज आप लोग कर लेकर आया हूँ कि अगर मान गया आपका स्टूडियो में कोई सिंगर हिंदी गाना गाने के लिए आते हैं, तो आप कौन सी इफेक्ट लगाइएगा हिंदी गाना में, और हिंदी गाना में कैसा कैसा इफेक्ट लगाया जाता है, उसका आज आप लोग का बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा तभी समझ में आएगा, और इस तरीका आप लोग लगाइएगा तो बेहतरीन वॉइस वोकल बनेगा। उसमें आप लोग का हारमोनी का भी उसमें लास्ट में सेटिंग बताऊंगा इसी के अंदर में। तो चलिए कम समय में चलते हैं। तो ये मेरा ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना लेना है, तो प्रोजेक्ट आप लोग इस तरीका के बना लीजिएगा, ठीक है। एक मोनो बना लेता हूँ मैं, और मानिए कि चलिए यहाँ पे तो कोई सिंगर नहीं है, तो मैं एक छोटा सा कोई गाना गा लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा मैं गा रहा हूँ, उस तरीका से मैं आप लोग का लगाऊंगा, ठीक है। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरे महबूआ उबा, बड़ी जिंदगानी है मेरे महबूआ। चलिए मैं ये तो गाना गा लिया हूँ, ठीक है। मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, फिर भी मैं गा छोटा मोटा आप लोग का मिक्सिंग करने के लिए मैं गा लिया हूँ। गा के अब आप लोग का इसमें इफेक्ट वगैरह लगा रहा हूँ। आप लोग ध्यान देखिएगा कि अगर हिंदी गाना का कोई भी सिंगर आता है तो इस तरीका के इफेक्ट आप लगाइएगा, ठीक है। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। तो चलिए इसमें इफेक्ट लगाना है, ठीक है। तो इफेक्ट लगाना है तो चलते हैं। सबसे पहले इसको ई फाइनल को खोल लेना है। जैसे ही पैनल को खोलिएगा तो आप आइएगा इसमें। इसमें आने के बाद आपको देख लीजिए जहां पे मैं बता रहा हूँ इसको, ये इस पे आ जाना, ठीक है। इस पे आने के बाद ये जो है वॉइस साफ और फ्रेश करता है। इसका काम है कि वॉइस में ना सुस आ जाता है, ना सुस सनसनाहट उनसनाहट बिल्कुल साफ करता है, ठीक है। तो वॉइस ना से मैं लगा लिया हूँ। चलिए मैं दूसरा इफेक्ट, फिर वही प्रोसेस में जाना है। प्रोसेस में जाने के बाद आपको इसमें जाना होगा, गला के बाद आपको ले लेना है आरसी। मोनो मैं ले लेता हूँ, कहाँ है आरसी, आरसी। चलिए आरसी, आरसी कंप्रेसर और मोनो। चलिए इसको ले लेना है आपको, ठीक है। और इसको आपको यहाँ से रख लेना है 37, 40, 35 के बीच में। चलिए मैं इसको 36 के स्पीड में रख दूँ। इसको आपको कर देना है 2 पे कर दीजिएगा, ठीक है। 2 के आसपास में इसको कर दीजिएगा, ठीक है। और इसको अपना हिसाब से भोकल थोड़ा सा उठा लेना है, ठीक है। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरे महबूआ उबा, बड़ी जिंदगानी है। चलिए इसके बाद एक और ले लेना है आपको, एक और इसमें से मैं इसको GEQ तेल ले लीजिएगा। अब इसका कुछ जरा सेटिंग आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ लाइएगा इस लेवल को, ठीक है। और इसको यहाँ से यहाँ थोड़ा सा कम रखिएगा उससे, ठीक है। इससे भी थोड़ा सा उससे कम रख कर दीजिएगा, ठीक है। और इससे आपको यहाँ से यहाँ तक थोड़ा कम कर दीजिएगा, ठीक है। फिर इधर प्रोसेस आपको आना है, इधर प्रोसेस आपको यहाँ फुल कर दीजिएगा, फुल से थोड़ा सा नीचे, इसके बाद थोड़ा सा नीचे, इसके बाद थोड़ा सा नीचे, ठीक है। और इसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे लाइएगा, इसके बाद फिर थोड़ा सा लाइएगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 तक करना, ठीक है। अब इसका काम सुनते हैं। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है। ये जो है कि आवाज को खिलाएगा और फ्रेश कर देगा, वोकल और लचर पचर बिल्कुल हटा देगा। चलिए एक आपको रिवर्ब लगा लेना है, तो आपको रिवर्ब इसी में जाइएगा। इसमें गला के बाद एक आपको यहाँ पसंदी कोई सा रिवर्ब ले लेना है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं रिवर्ब ले लेता हूँ, बहुत बढ़िया रिवर्ब है। इसको आपको 20 पे कर दीजिएगा, ठीक है। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरे महबूआ उबा, बड़ी जिंदगानी है मेरे महबूआ। चलिए इसके बाद हो गया। इसके बाद एक का करना है कि आपको एक ले लेना है, आपको
इफेक्ट चैनल से कोई सा डील ले। चलिए तो चलिए मैं आज डील ले रहा हूँ आप लोग का, सॉरी आज मैं डील ले रहा हूँ, अरे मिस्टेक से दबा गया। चलिए इसको मैं इफेक्ट चैनल जाना होगा। इफेक्ट चैनल जाने के बाद आपको यहाँ से क्या करना होगा कि यहाँ से आपको ले लेना होगा डिले, ठीक है। तो इसको डिले ले लिया मैंने। डिले लेने के बाद वन मिनट, इसका थोड़ा सा सेटिंग बता दे रहा हूँ, यहाँ से आपको ले लेना है। लेने के बाद थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, जरा सुनिए एक मिनट, लाइन कट गई है। चलिए ठीक है, यहाँ से क्या करना है कि आपको इसको ये कर देना है। करने के बाद इसका सेटिंग आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको 1/4 आपको क्या कर देना है, 1/4 कर देना है, ठीक है, 1/4 कर देना। और ये जो लेवल देखिए, इसको लेवल इसको 60 है ना, 60 ही रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसको आपको क्या कर देना है, 50 कर देना है, ठीक है, 50 पे ला के छोड़ देना है, ठीक है। चलिए इसको 50 कर देना है। और ये सब अभी छेड़छाड़ आप लोग मत कीजिए, इसका भी सेटिंग आता है जो मैं आपको बता दूंगा। फिर वही प्रेस जाना है, फिर यहाँ आपको जाना है गला के बाद, इसको जाना है और इसको माइनस कर दीजिएगा आप लोग 19.32 कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरे महबूबा उबा, बड़ी जिंदगानी है मेरे महबूबा। आने से आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरे। जो आज मैं बता रहा हूँ इस तरीके का आप लोग लगाइएगा, ठीक है, आपका एक नंबर वोकल और बेहतरीन बनेगा, ठीक है। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरे महबूबा उबा, बड़ी जिंदगानी है मेरे महबूबा। इसके बाद क्या करना है कि इसको आपको डबल फ्रेम बना लेना, ठीक है। जैसी डबल फ्रेम बना के क्या करना है कि एक में आपको लगा देना है हारमोनी, ठीक है, जो कि आपका हारमोनी का मैंने सेटिंग आज बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा हारमोनी। तो ये हारमोनी आपको आ गया। आने के बाद क्या करना, हारमोनी का कुछ सेटिंग हुआ, इसको 6 पे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और इस लेवल को पकड़ के आपको ला देना है 28 पे, ठीक है। और इस जो लेवल है, जो दूसरा लेवल है, ठीक है, दूसरा लेवल को आप लोग कर दीजिएगा 21-22 जो भी कर दीजिएगा, ठीक है। और इसका जो है आपको कर देना है 30, ठीक है। 30 करने के बाद अब इसको आपको क्या करना है कि इधर थोड़ा सा को आवाज को इधर को डब नॉर्मल सा चाप देना है, ठीक है, हारमोनी का, ठीक है। अब मैं इसको बजा के सुनाता हूँ आप लोग का। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरे महबूबा उबा, बड़ी जिंदगानी है मेरे महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरे महबूबा उबा, बड़ी जिंदगानी है मेरे महबूबा, ठीक है। और लास्ट में देखे हारमोनी ले लिया, ठीक है। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरे महबूबा उबा, बड़ी जिंदगानी है। तो आप लोग कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में बताइए।